होली में नालियर की क्या रिचुअल है, किस तरह से हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उसका एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये थोड़ी देर में मैं रिलीज करूँगा कि जो नालियर है उसको कैसे यूज करना है। और अभी मैं आपको आवाज़ के साथ सुनाता हूँ, ये जो गड़गड़ी या नालियर है जिसे बोलते हैं, मतलब जिसमें आवाज़ आती है, ये आवाज़ है, ये नालियर जो है जिसको आप हिलाओगे तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी, पानी की आवाज़ नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग आवाज आएगी। तो इसको हमें यूज करना है, इस तरह का गड़गड़ी या नारियल लेना है, उसके आगे की प्रोसीजर में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड, जैसे हमने बताया था, ये पानी जहाँ पे लगाया है तो आप देख रहे हो ये पूरी सरफेस है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। ओके, अब दोनों नालियर में देखेंगे ये पूरा चेंज हो चुका है। फमास के लिए जब आपको नालियर का कोकोनट का यूज करना है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जब हीट करता हूँ, नॉर्मली क्या होता है कोकोनट कहीं से भी टूट जाता है मतलब, बट ये देखो अब फायदा, मैंने जैसे बताया था कि मुझे कोकोनट को अगर कोकोनट के पीस करने हैं या हार्ड शेल उसको इस तरह से तोड़ना है तो ये निकल गया। तो अमास के लिए जब आप उपयोग करेंगे तो इसका फायदा हो जाएगा, दो पीस में बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक वरी थी कि ये टूटेगा कैसे, ऊपर का बचाना है कि नहीं बचाना। आप देखेंगे जहाँ पे भी पानी फट हुआ है वहाँ पे ये हो गया, तो ये पूरा हो गया। और अभी ये देखो प्रैक्टिकल लाइव है कि अगर मैं अमास की रिचुअल करता हूँ और कोकोनट जो है मैं इस ऐसे ही कोकोनट को ज़मीन में डाल दूंगा तो ख़राब हो जाएंगे। हमारा जो पर्पस है कि कहीं जीव का पेड़ बनना है वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा, और इसीलिए हार्ड शेल को भी बचा के रखना है। होली के लिए हार्ड शेल की ज़रूरत नहीं है, बट अमास की जब हम रिचुअल करते हैं तब चाहिए, क्योंकि सात अनाज जो हम अलग अलग से भरते हैं ग्रह के हिसाब से, उसके लिए हार्ड सेल हमें हमेशा बचा के रखना होता है। तो ये हार्ड सेल बचा हुआ है, इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं दो पीस में काट दूंगा। ये होली के रिचुअल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली एक मिनट मैं फिर से आपको बताता हूँ। इसके अंदर अगर मैं अमास के रिचुअल करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से काटूंगा, बट होली के रिचुअल है तो मुझे इसको फुल फिलअप करना है। तो जो भी मेरे पास काले तिल है, इसको मैं भर लूंगा। ये हो गया, इसको अभी मैं क्या करूंगा, मौली जो है उसे बांध दूंगा। आप मौली लेंगे और मौली से इसको बांध देंगे। आप चाहो तो गांठ भी लगा सकते हो। और ये जो है आपको क्या करना है, शाम को जब सूर्यास्त हो रहा है उस टाइम आपके खुद के जिसके ऊपर से आप चाहते हो कि कर्जा निकल जाए, उनकी प्लेनेटरी पोजीशन वो उनको बेनिफिशियल में आ जाए, उनके कर्मा जो कटे, तो आप यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो क्या है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी आपकी क्लॉकवाइज घूमती है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है अपने सर पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये उल्टा घड़ी की दिशा में मैं घुमा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम बोल रहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर आपको नरसी भगवान का जो अवतार है उनका मंत्र आता है तो वो भी यूज़ कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सात बार आपने बना लिया, इसके बाद में आप अर्पण कर देंगे होली में अग्निदेव को। कई लोग हैं उनको जो है पूरा रिचुअल पता नहीं है, पूरी कथा भी पता नहीं है, तो वो होलिका की पूजा करते हैं। एक्चुअली हमें होली की पूजा नहीं करनी है, हमें अग्निदेव की पूजा करनी होती है, क्योंकि जब ये कथा बन रही थी, ये जब इवेंट बन रही थी तो लोगों ने अग्निदेव की पूजा की थी कि वो भक्त प्रहलाद है उनकी रक्षा करें। होली की
होलिका जो है वो एक राक्षसी थी, वो एक डेमन का स्वरूप थी और वो चाहती थी कि प्रहलाद मर जाए, क्योंकि उनको अग्निदेव का वरदान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं बच जाऊंगी बट जो प्रहलाद है वो मर जाएगा। बट उसका जो कर्म है वो नेगेटिव था और नेगेटिव कर्म ने उसी को जला दिया और भक्त प्रहलाद बच गए। तो मैं यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हम धार्मिक है, धार्मिक लोगों को क्यों परेशानी होती है। तो देखिए, ये सारे रिचुअल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए है, हमारे कर्मों की शुद्धि के लिए है। अगर आप बुरे कर्म करते रहेंगे और धार्मिक रिचुअल फॉलो करते रहेंगे तो आपको और जल्दी से रिजल्ट मिलेगा, बट वो नेगेटिव मिलेगा। तो कृपया ये दिन ध्यान रखिए, क्योंकि आप पर्पज़ नहीं समझ रहे हैं कि जब भी मैं अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन में हूँ वो अपने पास्ट लाइफ या करंट लाइफ की कर्मा के वजह से हूँ, तो उस कर्मा को हम एनोमिनसली एक्सेप्ट करते हैं, भगवान या यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं और दोबारा उस कर्म को न करने की और पॉजिटिव कर्मास करने के लिए ही हम सौगंध खाते हैं या तो उनको अर्चना करते हैं और उनको ये भी प्रेयर करते हैं कि अगर हमें पता नहीं है तो हमें वो सद्बुद्धि दे ताकि हम पॉजिटिव कर्मा करें, नेगेटिव कर्मा न करें। तो ये भी मत सोचो कि मैं ये सारे रिचुअल कर लूँगा और नेगेटिव कर्मा करता रहूँगा तो होगा। नेगेटिव कर्मा क्या है? तन मन धन से कुछ भी आप नेगेटिव करते हो, वो चाहे ब्राइब हो सकता है, वो रिश्वत हो सकती है, किसी का हड़पना वो चीज़ हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो अनइथिकल नहीं करना है, ये याद रखिए। और ये रिचुअल आप होप कि आप फॉलो करो, क्योंकि कई कस्टमर्स के क्वेश्चन थे कि मुझे कैसे करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, होप ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप इसको अमास के दिन के लिए कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि अमास में आप ऊपर से काटेंगे, बीच में से नहीं काटेंगे, और छोटा सा पीस जो है वो काट के वहाँ पे सात अनाज जो मैं बता दूंगा आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और समय भेज दीजिए तो मैं आपको सात अनाज जो है उस मंथ के होरा के हिसाब से बता दूंगा, वो आप यूज़ करिए, मंथ के हिसाब से भर दीजिए उसको। इसी तरह मौली लगा के आपको जमीन में दाट देना है, पर इस बार क्या करेंगे, ये जो सॉफ्ट पार्ट है उसकी जगह हार्ट को, जो कोर है, थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो में दिखाया था उसको भी बचा के रखेंगे, और उसमें जो आँख है तीन उसको तोड़ देंगे। यहाँ पे ये ऊपर वाला भाग भी थोड़ा खुला होगा ताकि इसके अंदर में जो सात अनाज हम भरते हैं वो भी चीटिया है वो खा पाए। जमीन में किसी भी झाड़ के बाजू में उसको थोड़ा दबा दीजिए, और क्योंकि झाड़ के बाजू में इसलिए बोला हूँ कि वहाँ पे ज़्यादातर चीटियाँ रहती है, और उसको ज़मीन पे खुला नहीं छोड़ना है, ज़मीन में थोड़ा अंदर दबाइए। जब दबाते वक्त भी ध्यान रखिए कि कोई भी सजीव है, किसी चीटी या किसी का नुकसान ना हो, वो हर्ट ना हो। और थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, मैं मिट्टी का भी वीडियो बना के दूंगा जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी, बट एक साथ में दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि यही जो कोकोनट की विधि है उसको आप यूज़ कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो जो कोकोनट है जिसे श्रीफल बोलते हैं वो राहु का स्वरूप होता है, और इसीलिए ज़्यादातर गॉडेस है महाकाली के मंदिर में हम श्रीफल जो है उसकी अर्चना करते हैं, उसकी पूजा करके पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये करें, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जो शहर का द्वार था या गली मोहल्ला का द्वार था वहाँ पे श्रीफल लटकाए हुए थे। वेस्टर्न साइंस इस चीज़ को समझता नहीं है, वो अलग तरीके से हमें वो चीज़ सिखा दे, बट हमारे जो पुराने नियम थे वो कुछ न कुछ थे, हालांकि उसके पीछे के प्रिंसिपल लोग समझ नहीं पा रहे थे, और इसलिए कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते थे या अंधश्रद्धा फैलाने के लिए भी करते थे। हम यहाँ पे साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, ओके। तो ये रिचुअल आज शाम को मैं करूँगा, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, थैंक यू। और अगर कोई भी ऐसी चैलेंज है आपको तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम इस वीडियो के नीचे डाल दीजिए या तो लिंक पे डाल दीजिए, मैं आपको एस्ट्रो न्यूमरो एनालिसिस करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए मदद करूँगा, थैंक यू। लोगों को आप लाइक करें, शेयर भी करें, अगर आप किसी को ये वीडियो शेयर करते हैं तभी भी पुण्य का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं, तो आप शेयर करें अपने आसपास में उन लोगों को जो परेशान है, उनको लगता है कि सब कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं है, सेट नहीं है, बरोबर है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बीमारी होती है, डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो भी इस रिचुअल को कर सकते हैं, अपने नेगेटिव कर्मास को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू, शेयर करिए, लाइक करिए।